नमस्कार, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आप देख पा रहे हैं यह बीजेपी महिला मोर्चा टीम जो है हारी लेकर के वह एसएमसी के गेट की तरफ बढ़ती जा रही है और हाथ में उनका पुतुल दिखाई दे रहा है, गौतम देव जी का पुआल का पुतुल। और यह देखिए अचानक क्या देखने को मिल रहा है, पुलिस जो सिविल ड्रेस में है महिला पुलिस टीम, वह उनके हाथ से या पुतुल को लेकर के भागते नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, या बहुत ही आश्चर्यचकित और हास्यपद स्थिति दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये ड्रेन के अंदर में फेंक दिया गया है पुतुल को। अब आगे देखिए, अब फिर ड्रेन से पुलिस की ही महिला टीम जो है उस पुआल के पुतुल को उठा रही है। और उठाने के उपरांत अब देखिए यहाँ पे फिर क्या स्थितियाँ हैं, आपस में महिला मोर्चा टीम सभी इकट्ठा हो करके जो हैं वह तर्क वितर्क करते देखी जा रही है। और आपको बता दें पुलिस महिला टीम और बीजेपी महिला मोर्चा के टीम के मध्य में यह धक्का मुक्की का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ये वह पुलिसकर्मी को घेराव करके रखे हैं जो महिला मोर्चा टीम की पुलिसकर्मी जो पुआल का पुतुल गौतम देव जी का लेकर के भागी थी, उनके साथ अब तर्क वितर्क हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा टीम जो है उनसे सवाल कर रही हैं कि आपने ऐसा हरकत क्यों किया। और ये देखिए, आपको बता दें जो भी दर्शक चीज़ों को नहीं समझे थे या नहीं देखे थे, आपको बता दें यह वह दृश्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा टीम और बीजेपी महिला मोर्चा और साथ में बीजेपी विधायिका शिखा चटर्जी अपने दल बल के साथ में एसएमसी सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेट पे गत काल के ही भांति बीजेपी पुरुष टीम ने जिस तरीका से विरोध प्रदर्शन किया था जल की आपूर्ति के कारण, और साथ ही साथ उन लोगों का यह भी कहना था। आपको बता दें कि यह देख पा रहे हैं धक्का मुक्की बीजेपी महिला मोर्चा टीम और पुलिसकर्मी पुलिस महिला टीम के मध्य में धक्का मुक्की साफ देखे जा रहा है। और यह स्थिति आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यह स्थिति को। इस वक्त की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, पुलिस कर्मी महिला पुलिस मोर्चा टीम जो है विनर्स के और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा टीम के मध्य में यह धक्का मुक्की फिर से एक बार आज तीन दिनों से जो हम स्थितियां आपको दिखा रहे हैं, पहला दिन सीपीआईएम के तरफ से और दूसरा दिन जो है बीजेपी के तरफ से। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं आपको बता दें, पहला दिन सीपीआई का विरोध प्रदर्शन जल आपूर्ति के कारण, विषैला जल जो है उनका आरोप था वर्तमान सरकार के ऊपर में कि विषैला जल जो है सिलीगुड़ी नगरवासी को सिलीगुड़ी शहरवासी को पिलाया जा रहा है, इसके विरोध में सीपीआई पहले जो है विरोध प्रदर्शन करती है यहाँ पे एसएमसी पे, जहाँ पे पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। अब गत काल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी वैसे ही सुर में सुर मिला करके जो है विरोध प्रदर्शन करते दिखी गई थी। और आज कल की ही परिस्थितियां आज एक बार और देखने को मिल रहा है एसएमसी सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के
जो माहौल है सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेट जो है वह यह अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा रन क्षेत्र में तब्दील हो गया है। यहाँ पे रन क्षेत्र बन चुका है। आपस में पुलिसकर्मी, महिला पुलिस मोर्चा टीम और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा टीम जो है आपस में यह दोनों धक्का मुक्की करते नज़र आ रही हैं, तर्क वितर्क हो रही हैं। महिला मोर्चा टीम और विनर्स के टीम आप हमारे समक्ष देख पा रहे हैं, यह अस्पष्ट शब्दों में तुतुमय करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें महिला मोर्चा टीम जो है वह गौतम देव जी वर्तमान सिलीगुड़ी के मेयर का पुतला वह लेकर के आ रही थी अपने हाथ में, और हाथ में कलसी ली हुई थी, मिट्टी का बर्तन जो अभी भी उनके हाथों पे आप देख सकते हैं। और उनका विरोध प्रदर्शन जल आपूर्ति के कारण विरोध प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य था, तभी क्या होता है एक सिविल ड्रेस में पुलिस महिला टीम की जो लीडर थी वह जो है वह उनके हाथ से पुतुल को लेकर के भागती हैं, और आगे देखा जाता है कि ड्रेन में पुतुल को फेंक दिया जाता है और फिर उसी में से वास्तव में ड्रेन में फेंका वाला दृश्य तो हम लोग नहीं देख सके चूँकि हम लोग दूर थे, बट हमने यह ज़रूर देखा और आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि महिला पुलिस टीम जो है वह वहाँ से फिर उसी पुतुल को निकालती है। और आप ये देख पा रहे हैं पुलिस जो पुरुष टीम है और एक बीजेपी कर्मी को के साथ में यह बहुत ही ज़्यादा क्रोध का दृष्टिकोण, क्रोध का जो स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। और देखिए क्या होता है, आज भी विरोध प्रदर्शन जो है कल की भांति परसों की भांति कहा जाए तो गलत नहीं होगा जारी है। और यह हम आपको बता दें, आप देख रहे पा रहे हैं यह न्यूज़ द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स के सौजन्य से, यह सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेट के बाहर जो है रण क्षेत्र में यह तब्दील हो गया है सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का परिदृश्य। और यह गेट आज भी कल की भांति बंद दिखाई दे रहा है और पुलिस की जो टीम है वह आज फिर से महिला टीम के समक्ष खड़े हैं आमने सामने। और ये इस वक्त की आपको परिदृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही बीजेपी कर्मी जो थी बीजेपी महिला मोर्चा टीम की, और आपको बता दें बीजेपी विधायिका शिखा चटर्जी के नेतृत्व में यह आज जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं एसएमसी के सामने। और महिला मोर्चा टीम का कहना है कि पुलिस वाहिनी है या गुंडा, यह आरोप आप देख पा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा टीम और दूसरे तरफ में पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस जो है हाथाहाथी, दोनों के बीच में एक धक्का मुक्की का परिदृश्य देखने को मिला है। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहे हमारे साथ द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स की टीम आपके साथ हमेशा है, आपको अपडेट्स दे रही है। और यह जो है आपको बता दें, जो भी दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि यह जो पानी के विरोध में जो पानी, विषैला पानी होने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दिया जाता है मेयर के माध्यम से, सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के माध्यम से
आप देख पा रहे हैं ये महिला मोर्चा टीम जो हाय हाय पुलिस हाय हाय करके नारा स्लोगन दे रही हैं। तो दर्शकों आपने यह सुना शिखा चटर्जी का, स्पष्ट शब्दों में उनका क्रोध जो है दिख रहा है, उनके भाषा से यही क्रोध झलक रहा था। वह मेयर के खिलाफ टीएमसी के ऊपर में उन्होंने अपना क्रोध को जाहिर किया और स्पष्ट शब्दों में जो बोला आपने सुना। और अभी भी उत्तेजना जो है बीजेपी महिला मोर्चा टीम, आपको बता दें बीजेपी विधायिका शिखा चटर्जी को आपने सुना, और अभी भी स्थितियां जो है गर्मा गर्मी का ही है। और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। और हम यही कहेंगे कि हमारे टीम को आप अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, और इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः आपके साथ मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वान, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट, गोरुमारा बंगलो के नजदीक, न्या मूर्ति नदी, लाटागुड़ी।